सहाबा इकराम आलमुल गैब नहीं थे तो ताबीन आलमुल गैब कैसे हो गए, तबा ताबीन आलमुल गैब कैसे हो गए, जब ये आलमुल गैब नहीं शेख अब्दुल कादिरानी रहमतुल्लाह आलमुल गैब कैसे हो। और आजकल के बेनमाज नाम निहाद पीर ये आलमुल गैब कैसे हो गए। खौरा तो आपने कहा अशिरकु बिल्ला, अल्लाह ताला के साथ क्या करना, शिर्क करना, यानी कि अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी और को शरीक कर देना। नमाज अल्लाह के लिए भी पढ़ना, गैरुल्लाह के लिए भी पढ़ना, जानवर 10-15 अल्लाह के लिए ज़िबा कर देना, एक गैरुल्लाह के लिए ज़िबा कर देना, ये क्या है, शिर्क है। तो शिर्क जो है ये इंसान को हलाक कर देने वाला गुनाह है। और अफसोस से कहना पड़ता है लोग बहुत सी गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन शिर्क से बचने की कोशिश नहीं करते। और बहुत से लोग अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को बहुत से जराइम से महफूज रखने की कोशिश करते हैं लेकिन शिर्क से महफूज रखने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में पोस्टें मिलेंगी, क्या आजकल एक ग्रुप बहुत मुतहर्रिक हो चुका है, वो आपको फोन करेगा, आपसे बैंक अकाउंट मांगेगा, आपने नहीं देना, वो आपसे ये मालूमात लेगा आपने नहीं देनी वरना आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आप पछताएंगे। तो ये पोस्टें क्यों बनाई जा रही है, हमें कैसे बचाने के लिए, दुनियावी नुकसान से महफूज रखने के लिए। लेकिन क्या इस अंदाज से हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शिर्क से बचाने की कोशिश करते हैं, ये सवाल है।